गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 4 जून 2020 और एस्टेट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। रद्द एसटीईटी दोबारा 3 माह बाद होगी। कोर्ट का आदेश, अभी रद्द हुई परीक्षा की ओएमआर शीट नस नहीं करे बोर्ड। बिहार बोर्ड ने पटना हाई कोर्ट को बताया कि 3 महीने बाद एसटीईटी राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की तैयारी की जा रही है। गड़बड़ियों के चलते बोर्ड ने हाल में यह परीक्षा रद्द की है। परीक्षा पिछले साल हुई थी बुधवार को। हाई कोर्ट नए सिरे से परीक्षा लेने के बिहार बोर्ड के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका पंकज कुमार सिंह व अन्य की दायर की हुई है। जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने बोर्ड को निर्देश दिया कि फिलहाल पिछली परीक्षा की ओएमआर शीट उत्तर पुस्तिका नष्ट नहीं की जाए। बोर्ड के वकील ने कोर्ट से कहा कि 3 महीने बाद नए सिरे से इस परीक्षा को लेने की तैयारी की जा रही है। इस रिट याचिका की कॉपी उन्हें नहीं मिली है। कोर्ट ने सभी पक्षों को कागजातों के आदान प्रदान के लिए 2 दिन की मोहलत दी। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जून को होगी। इसे सेकंड भी एक हिंदुस्तान से है, वही चीज है। एसटीईटी रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती। बोर्ड को फिलहाल ओएमआर शीट नस नहीं करने का आदेश। मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 6 जुलाई तय की गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा पर उठा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले इस परीक्षा को रद्द करने की गुहार पटना हाईकोर्ट से लगाई गई और अब परीक्षा को रद्द करने के लिए बिहार बोर्ड के फैसले को चुनौती दी गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने के लिए बोर्ड के आदेश को एक बार फिर पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पंकज कुमार सिंह व अन्य की ओर से दायर अर्जी पर न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने फिलहाल बोर्ड को ओएमआर शीट को नष्ट नहीं करने का आदेश दिया। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 6 जुलाई को तय की गई है। वहीं बोर्ड के वकील ने कोर्ट को बताया कि 3 महीने बाद बोर्ड इस परीक्षा को फिर से लेने के बारे में कार्रवाई करेगा, इसलिए तैयारी करते रहे। अर्जी की प्रति उन्हें नहीं मिली है, इसलिए इस केस के बारे में कुछ भी कहना उनके लिए संभव नहीं है। कोर्ट ने एक दूसरे को अर्जी का आदान प्रदान की प्रक्रिया 2 दिनों के भीतर पूरी कर लेने का निर्देश दिया। इसके पूर्व आवेदकों के वकील का कहना था कि परीक्षा रद्द करने के लिए दायर अर्जी पर बगैर गुण दोष की सुनवाई की अर्जी निष्पादित ही गई। अर्जी लंबित रहने के दौरान ही बोर्ड ने परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी कर दिया, जिस कारण कोर्ट ने अर्जी पर गुण दोष की सुनवाई किए बगैर इसे समाप्त कर दिया। धन्यवाद।